नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आज हम आपके समक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, महाभारत के पराक्रमी योद्धा अर्जुन के वंशज और महाभारत के अंतिम सम्राट तिल्लीपत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी, यहाँ सर्वंग मंत्र यानी जंजीरा का उच्चारण कर रहे हैं। ये सर्वंग मंत्र जंजीरा बेहद शक्तिशाली, बेहद चमत्कारी, तुरंत असर करने वाला और ये कि बेहद खतरनाक भी है। तो जरा सी चूक इसमें खतरनाक साबित हो सकती है और सही तरीके से, सही विधि विधान से, शुद्ध मन से, शुद्ध आत्मा से इसका उपयोग करने पर इसके अनेकानेक लाभ होते हैं। बहुत तरीके के लाभ होते हैं जो इस सर्वंग में स्वयं आपको उच्चारण में ही ज्ञात हो जाएंगे। तो ये सर्वंग बेहद शक्तिशाली है, बेहद चमत्कारी है और बहुत जल्दी असर करने वाला है। तो इसका वही लोग उपयोग करें जिनमें सत्वगुण की भावना हो, लोक कल्याण की भावना हो और उनको कोई परेशान कर रहा हो, पीड़ित कर रहा हो या किसी भले आदमी पर या किसी सही आदमी पर किसी ने कोई बुरी क्रिया कर दी हो, काला जादू कर दिया हो, मारण मूठ चौकी या किसी तरह का टोना टोटका कर दिया हो या अन्य कोई ऐसा प्रयोग किया गया हो जिससे उसकी लोकप्रियता घटने लगी हो और रूप सौंदर्य घटने लगा हो या उसका काम धंधा घटने लगा हो या और किसी प्रकार का नुकसान हो रहा हो, उसे पहले जो था उससे बुरी स्थिति में आ गया हो, तो ये सबको पलट देता है, काट देता है। तो ये पलट काट का एक बहुत बड़ा जंजीरा सर्वंग है और सर्वंग ये चूंकि गोरखनाथ जी का है तो गोरखनाथ जी का ये सर्वंग, इसकी शक्ति का बयान करना या शक्ति के बारे में बताना जो जानकार लोग हैं वो स्वयं जानते होंगे कि सर्वंग की शक्ति क्या होती है। तो ये गुरु गोरखनाथ जी का सर्वंग है और ये अभी तक हमारी किसी फिल्म में आया नहीं, इसे हम पहली बार प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसका जो सदुपयोग करेगा उसका हित तो कल्याण तो अवश्यम भावी आए और जो तनिक भी किसी का अहित करने का कोशिश करेगा या इसका गलत प्रयोग करेगा उनका तो विनाश अवश्यम भावी आए। और दूसरी बात यह है कि इसमें चूंकि कुछ शब्द उच्चारण आवृत्तियां आयाम तरंग दैर्य और स्वर का गांभीर्य गहनता समुंदर की गहराई से यानी कि नाभि से मंत्र का उच्चारण, ये सब ऐसी प्रक्रियाएं हैं कि इसे आप स्वयं न उच्चारण करें, स्वयं इसका उच्चारण करने का प्रयास न करें क्योंकि किंचित भी त्रुटि हो गई बिंदी मात्र की भी या अक्षर मात्र की भी तो ये बजाय लाभ के आपको बहुत बड़ी हानि पहुंचा देगा। क्योंकि तुरंत असर करता है और बहुत तेज असर करता है इसलिए हानि भी आपकी बहुत तेज और तुरंत होगी। इसलिए आप इसका स्वयं उच्चारण न करें, इसी हमारी सीडी को और इसमें जो ऑडियो
हमारा उच्चारण है, केवल उसी को अपने घर में बजाएं और इसे नियम तो ये है कि कम से कम 41 दिन तक रोज होना चाहिए, और वो नियम हम थोड़ा आगे उल्लेख भी कर देंगे। लेकिन ध्यान ये रहे शुद्धता के लिए, अपनी रक्षा के लिए और अपने बढ़ावे के लिए इसका उपयोग करें। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर इसका उपयोग किया तो फिर आपका पूरा विनाश सर्वनाश अब अपने ही आप हो जाएगा। तो अब हम ये सर्वभंग का यहाँ उच्चारण कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम गुरुजी सेत घोड़ा सेत पलान चढ़िया बापा मेहमदा पठान कोल हिंदू कोल मुसलमान कोल बांधिया जमीन आसमान तारिया गुरु जागिया मुसाण मैं सेया बाबा रहमान तले धर तरी धी धर आवे ऊपर अमर सकल पर सोए सर्वंग पुन सकल पर वापे सर्वंग इन सकल पर गाजे सर्वंग चल सकल पर वापे सर्वंग सूरज सी किरण सूरज सी ज्योत में सर्वंगी सबका संगी सबको भेद बतावो ऊंचा नीचा राजा पकड़ूं भ्रांत कबू न लाऊं मैं ओघड़ का चेला फेरूं अकेला न कोई शीश नवाऊं मैं भटियारी कामणगिरी घर घर लाए लगा दियूं नारी कामण टूमण करूं सनेवा राखूं बरसता महेवा शिखर छोड़ दूं वाणी पढ़मता कबू न मांगे पानी जोर करे तो जाने ना दूं इंद्री पकड़ निवाऊं राजा कर दूं काला मिंडा हाकिम कर दूं भैंसा नौनाथा मैं बोलूं ऊंचा क्या क्यागी क्या बैरागी क्या भोपा भरडा भाण इतरे की मोमूंड माई मछेरी का माथा मूंड मच्छेरंडी का मुंडा माथा मत बांध कूड़ कपट का गाथा जोगी बड़ा जगत के भीतर तांतक ध्यान धरिया जोग सर कूक से कर दूं न्यारा उल्टा चरखा चलाऊं उल्टा साध समेटूं वाणी गोरख बोलिया उल्टी वाणी गुरु पर चादर टाणी मणमसान धूनी वाली आसन टेरा डालूं जगत बुलाऊं डेरे हरी लीरी बावन भैरू छप्पन कलवा नौ नार सिंह सात बाया बीच बाई ली वाही मारी दासी उठ मूठ कामन करतूत छल छतर धक्का धूम भूत पलीत जीन खईस कचिया मुसाण जलोटिया फलोटिया डाकिनी साकिनी नजर टपकार 36 रोग 72 बलाय बंद करता लाय मेरा हकाला कारस सही नहीं करो तो राजा रामचंद्र की करोड़ करोड़ बार दोहाई फेरे छठ सोत अन आसमान खोदूं और तीजी ताली तेरे में अटकाऊं नाड़ा कदई न निकले गोरख वाला सूखा छोड़ गर्भ में राखे तीजी घड़ी बदाऊं वाला और धीरी कर उपकार चलाऊं आखर आगे चाले न पाखर मारूं मेघ बजर की टाकर और मंत्र उड़द के गोला बाऊं पत्थर फोड़ के उड़ाऊं सीधाई का मूसा पकड़ छोड़ दूं धड़माई टिकालिया मुसाण की छाई लागे पकड़ की टक्कर और जंगी सा बादशाह हो जाए सूख साक लक्कड़ सर्वंग लीला जाप संपूर्ण सही संत की गद्दी बैठ के बाजी आपो आप कही। ये सर्वंग का उच्चारण है। इस सर्वंग के उच्चारण को एक बार मैं पुनः कर देता हूं। ओम गुरुजी सेत घोड़ा सेत पलान चढ़िया बापे मेहमदा पठान कोल हिंदू कोल मुसलमान कोल बांध्या जमीन आसमान तारिया गुरु जागिया मुसाण मैं सेया बाबा रहमान तले धर तरी धी धर आवे ऊपर अमर सकल पर सोए सर्वंग पुन सकल पर बापे सर्वंग इन सकल पर गाजे सर्वंग चल सकल पर बापे सर्वंग सूरज सी किरण सूरज सी ज्योत में सर्वंगी सबका संगी सबको भेद बताऊं ऊंचा नीचा राजा पकड़ूं भ्रांत कबू न लाऊं मैं ओघड़ का चेला फिरूं अकेला न कोई शीश न बाऊं
मैं बटियारी कामण गिरी घर घर लाए लगा दू नारी और कामण टूमण करूं सनेवा राखूं बरसता मेहवा शिखर चोड़ दू वाणी पढ़नता कबू न मांगे पानी जोर करे तो जाने ना दू इंद्री पकड़ निवाऊं राजा कर दू काला मिंडा हाकिम कर दू भैंसा नौ ना था मैं बोलूं ऊंचा क्या क्या गी क्या बैरागी क्या भोपा भरड़ा भाड़ इतरे की मो मूड माई मछेरी का माथा मूड और मच्छेरंडी का मुंडा माथा मत बांध कूड़ कपट का गाथा और जोगी बड़ा जगत के भी तत्ता तक ध्यान धरिया जोग सर कूक से कर दू न्यारा उल्टा चरखा चलाऊं उल्टा साथ समेटू वाणी गोरख बोलिया उल्टी वाणी और कुरु ऊपर चादर टाणी मण मसान धूनी घाली आसन डेरा डालू जगत बुलाऊं डेरे हरी लीरी बावन भैरू छप्पन कलवा नौ नारसिंह सात बाया बीच बाईली बाही बाही वाही मारी दासी उठ मूठ कामन करतू छल छतर धक्का धूम भूत पलीत जीन खईस कचिया मुसाण जलोटिया फलोटिया डाकिनी साकिनी नजर टपकार छत्तीस रोग बेहतर बलाय बंद करता लाए मेरा अकाला कारज सही करो नहीं तो राजा रामचंद्र की करोड़ करोड़ बार दुहाई और फिरे छठ सोध अन आसमान खोदू तीजी ताली तेरे में अटकाऊ नाड़ा कदई कदई न निकले गोरख वाला सूखा छोड़ गर्भ में राखे तीजी घड़ी बदाऊं वाला धीरी कर उपकार चलाऊं आखर आगे चाले न पाखर मारूं मेक वज्र की टाकर और मंत्र उड़द के गोला बाऊं पत्थर फोड़ के उड़ाऊं सीधाई का मूसा पकड़ ठोड़ दूं धड़माई टिका लिया मूसा की छाई लागे पकड़ की टक्कर जंगी सा बादशाह हो जाए सूख साख लक्कड़ और सर्वंग लीला जाप संपूर्ण सही संत की गद्दी बैठ के बाजी आपो आप कही ओम गुरु जी सेत घोड़ा सेत पलान चढ़िया बाप महमदा पठान कोल हिंदू कोल मुसलमान कोल बांध्या जमीन आसमान तारिया गुरु जागिया मुसाण मैं से आ बाबा रहमान तले धर तरी धी धरावे ऊपर अमर सकल पर सोए सर्वंग पुन सकल पर वापे सर्वंग इन सकल पर गाजे सर्वंग चल सकल पर वापे सर्वंग सूरज सी किरण सूरज सी ज्योत में सर्वंग ही सब का संगी सबको भेद बतावो ऊंचा नीचा राजा पकड़ूं भ्रांत कबू न लाऊं मैं ओगड़ का चेला फिरूं अकेला ना कोई शीश नवाऊं मैं भटियारी कामण गिरी घर घर लाए लगा दू नारी कामण टूमण करूं सनेवा राखूं बरसता मेहवा शिखर चोड़ा दू वाणी पर अंता कबू न मांगे पानी और जोर करे तो जाने ना दू इंद्री पकड़ निवाऊं राजा कर दू काला मिंडा हाकिम कर दू भैंसा नौ नाथा मैं बोलूं ऊंचा क्या क्या गी क्या बैरागी क्या भोपा भरना भाड़ इतरे की मो मूड माई मछेरी का माथा मूड और मच्छेरंडी का मुंडा माथा मत बांध कूड़ कपट का गाथा और जोगी बड़ा जगत के भी तत्ता तक ध्यान धरिया जोग सर कूक से कर दू न्यारा उल्टा चरखा चलाऊं उल्टा सास समेटू वाणी गोरख बोलिया उल्टी वाणी और कुरु ऊपर चादर टाणी मण मसान धूनी घाली आसन डेरा डालू जगत बुलाऊं डेरे हरी लीरी बावन भैरू छप्पन कलवा नौ नारसिंह सात बाया बीच बाईली वाही मारी दासी उठ मूठ कामन कर तू छल छतर धक्का धूम भूत पलीत जीन खईस कचिया मुसाण जलोटिया फलोटिया डाकिनी साकिनी नजर टपका छत्तीस रोग बेहतर बलाय बंद करता लाए मेरा अकाला कारज सही नहीं करो तो राजा रामचंद्र की करोड़ करोड़ बार दोहाई फिरे छठ सोध अन आसमान खोदूं तीजी ताली तेरे में अटकाऊं नाड़ा कदई न निकले वाला सूखा छोड़ गर्भ में राखे तीजी घड़ी बदाऊं वाला धीरी कर उपकार चलाऊं आखर आगे चाले न पाकर मारूं मेघ वज्र की टाकर और मंत्र उड़द के गोला बाऊं पत्थर फोड़ के उड़ाऊं सीधा ही का मूसा पकड़ ठोड़ दूं धड़माई टिका लिया मूसाण की छाई और लागे पकड़ की टकर जंगी सा बादशाह हो जाए सूख साख लक्कड़ सर्वंग लीला जाप संपूर्ण सही संत की गद्दी बैठ के बाजी आपो आप कही ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इसे
41 दिनों तक आप अपने घर में 2400 घंटे बजाएं और एक समय ही केवल अन्न खाना चाहिए, इसमें केवल एक ही समय अन्न खाएं और इसमें दक्षिण दिशा को छोड़कर बाकी की जो तीन दिशाएं हैं, यानी तीन कूटों कहते हैं उसको, तीन कूटों में, यानी दक्षिण दिशा को छोड़ दें और बाकी की जो तीन दिशाएं हैं उसमें दीपक जलाएं और तीन बार भोग लगाएं और उठते समय जब इसमें पूजा करके आप उठें, उठते समय मध्य यानी शराब, मिठाई तथा बाकलों का भोग लगाएं और इस मंत्र की सिद्धि में जितने भी कार्य लिखे हैं वो सब संपन्न होते हैं और ये हम जैसा पूर्व बता चुके हैं, बेहद खतरनाक, बेहद तेज असर वाला, बहुत उच्च कोटि का सर्वंग है, जंजीरा है और ये आपकी समस्त समस्याओं का समाधान भी है। और ये ध्यान रहे कि किसी की बुरी भावना से या किसी तमोगुणी भावना से आप इसका उपयोग न करें, सतोगुणी भावना होनी चाहिए, लोक कल्याण की भावना होना चाहिए, तब आपका जो हमने बताया उस तरीके से करें और आपको निश्चित ही लाभ होगा। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।